हमारा एक डिस्कॉर्ड चैनल भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो या फिर वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और उससे फायदा क्या हुआ और अगर किसी को रियल वर्ल्ड ज्वाइन करना है ज्वाइन द रियल वर्ल्ड नाम की एक प्ले है उसमें तीन वीडियोज हैं उसको देख लो ध्यान से और हो जाएगा ज्वाइन विदाउट एनी इशूज जेनुअन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हर वीडियो में ही है ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहले आता है लैपटॉप या फिर फोन और सेकंड है आपकी ग्रुप ऑफ वीडियोस वीडियोस जैसे कि रिव्यू वीडियोस, वीडियोस फीडबैक वीडियोस और ट्यूटोरियल वीडियोस इन सबको रेडी कर लो आप नंबर तीन पर है आपकी मेल आई एक अलग से मेल आई बना के रख लो इसके लिए और नंबर चार पर है सोशल मीडिया ये चार चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी और आपकी कंप्लीटली पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा तो हमने ओपन करना है कैनवा को और इसको हम ओपन कर लेंगे लैपटॉप या सी पर फोन में भी कर सकते हैं उसमें फिर आप डेस्कटॉप मोड लगा लेना और यहां पर काफी सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे कैनवा खोल लिया कैनवा खोलने के बाद आपने जो मेल आई सिलेक्ट की हुई है उसके थ्रू आपने साइन अप कर लिया और यहां पे ना आपको एक सर्च बार मिलेगा सर्च बार में जाके आपको सर्च करना है यूजीसी पोर्टफोलियो और एंटर दबा देना है और यहां पर जैसे ही आप एंटर दबाओगे ना उसके तुरंत बाद काफी सारे टैंपलेट्स आ जाएंगे इनमें से ध्यान रखना है जो फ्री टैंपलेट्स हैं सिर्फ वो ही सिलेक्ट करना है पेड टैंपलेट्स में जान, जाने की जरूरत नहीं है और ये वेबसाइट आपकी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बनने वाली है इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे एडिट करना एडिट करना बहुत सिंपल है इसमें बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि वेबसाइट को जितना हो सकता है उतना सिंपल बनाना है कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं करनी है इतनी सिंपल वेबसाइट होनी चाहिए कि कोई बच्चा भी समझ जाए वेबसाइट पे आने के बाद कि ये किस चीज से रिलेटेड है और यहां पर क्या होता है अब जैसे आपने ये टैंपलेट चूज कर लिया है इसके बाद जो ये नेम वाला सेक्शन आ रहा है ना यहाँ पर आप अपना नाम डाल दोगे मैं डाल देता हूं यहाँ पे विवेक अब इसके नीचे हमें लिखना है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमारे बारे में ऑब्वियसली यार हमारे बारे में थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा ना और ध्यान रहे इसको भी ना बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है सिंपल अपनी दो तीन लाइनों में बात को खत्म कर दो और जितना हो सकता है उतना ज्यादा यहाँ पे बता देना अपने बारे में कम लाइनों में ज्यादा बताना है इस चीज का ध्यान रखना है जैसे यहां पे मैं डाल देता हूं कुछ लिखने की नहीं है। और ये मेरे हिसाब से नहीं है क्योंकि मैं जेनजी का नहीं हूं बट आप जेनजी को तो आपके काम आएगा तो आप ये भी लिख सकते हो सबके सब भी यही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला और ये पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप अपना लिंक कहीं शेयर करोगे ना वेबसाइट का तो ये ही पेज दिखाई देगा वहां पे आपको अलग से कोई फोटोज वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है ये पेज एज इट इज शो हो जाएगा जहां भी आप लिंक शेयर करोगे और इस पेज को ना बहुत सिंपल और क्लीन रखना है जिससे आसानी से किसी को भी समझ में आ जाए अब जैसे फोटो लगी हुई है ना यहां पे यहां पे आप अपनी कोई अच्छी सी फोटो लगा देना मैं यहाँ पे अपनी एक, कोई भी एक फोटो लगा देता हूं लेकिन आपको ऐसी कोई फोटो लगानी है जिसमें आप हीरो या हीरोइन दिख रहे हो क्यों आपका पोर्टफोलियो है भाई। हीरो हीरोइन तो दिखने चाहिए ना कोई आएगा आपकी अगला वाला सेक्शन बनाओ उसमें बना डालना स्टार्ट कर दो इनफैक्ट ये जो वेबसाइट है ना यहाँ पे मैं नेथन की वेबसाइट दिखा देता हूँ ये वाली वेबसाइट है ना ये बस इसको कॉपी मार लो बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपने लिंक वगैरह सोशल मीडिया के डाल दो सो दैट की आपका इंस्टाग्राम हो गया ट्विटर हो गया या फिर फेसबुक हो गया और यूट्यूब अगर है तो डाल दो नहीं है तो कोई बात नहीं और हाँ एक चीज मैं फिर से बता दूं इसमें किसी भी तरीके के फॉलोअर्स ना भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है फॉलोअर होंगे ट्विटर जैसी वेबसाइट पे अगर आपके पास फॉलोअर थोड़े बहुत होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आगे ट्विटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आगे आने वाली वीडियोज में मैं ट्विटर के बारे में बताऊंगा कि ट्विटर पर प्रोफाइल कैसे बनाना है उनमें किन चीजों का ध्यान रखना है अब अगर आप ये निधन का पोर्टफोलियो देखोगे तो आपके पास यार परफॉर्मेंस वाली तो वीडियोस कोई होंगी नहीं तो जो इसमें सेक्शन बनाने हैं आप यहाँ पे डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट्स का एक सेक्शन बना दो यहाँ पे आप अपनी डिजिटल जो भी वीडियोस हैं प्रमोशनल वीडियोस या फिर रिव्यू वीडियोस या फिर ट्यूटोरियल्स वो आप इस वाले सेक्शन में डाल दो जो डिजिटल वाले में और जो फिजिकल वाला सेक्शन आपने बनाया हुआ है ना फिजिकल वाले में जैसे ये रिमोट हो गया या फिर ये रिमोट हो गया या फिर ये फोन हो गया इन सब की कोई भी वीडियोज आप बना के वहां पर डाल दो कोई भी क्या वही प्रमोशनल और रिव्यू वीडियोज या फिर ट्यूटोरियल वीडियोज बना के सिंपल यहां पे स्टैक करके लगा दो तीन चार डालना बहुत ज़्यादा मत डालना क्योंकि बहुत ज्यादा डाल मतलब है तो डाल दो नहीं है तो कोई बात नहीं और टॉप परफॉर्मर है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास कोई टॉप परफॉर्मर वीडियोस हैं टॉप परफॉर्मर सेम मतलब है मेरा यूजीसी वीडियोस नॉर्मल वाली वीडियोस नहीं जो आपने उधर डाली होंगी उस तरीके की नहीं <laughs> और यहां पे जैसे नेथन ने डाला हुआ है ना वैसे एक यूजीसी वीडियो बना के डाल दो अपने पोर्टफोलियो की कि वाई मी मेरे को क्यों चूज करना है और यहां पे ना बिल्कुल सिंपलिसिटी दिखानी है एडिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा नहीं करनी है इस वीडियो के अंदर मैंने शायद पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताया होगा कि जब पोर्टफोलियो वाली वीडियो आपको शूट करनी है तो उसमें बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं करनी है जितना हो सकता है सिंपल रखना है और कैजुअल रहना है अपने आप को बिल्कुल कैजुअल रखना है सामने वाले को पता लगना चाहिए कि आपके बोलने का तरीका कैसा है आप कैसे बोलते हो कैसे बात करते हो सो कि वो जज कर पाए कि आप उसके कंटेंट में फिट होते हो या नहीं होते हो अब आप ना ये नेथन की जो वेबसाइट है ना इसको कॉपी मार लो बिल्कुल सेम से होती है ज्यादातर यूजीसी जो क्रिएटर्स होते हैं उनकी जितनी भी पोर्टफोलियोज होते हैं ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है नेथन की ये वेबसाइट कंप्लीटली कॉपी मार लो और हां ध्यान रखना यार कॉपी ना अकल लगा के करनी है सोशल मीडिया के जो ये लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ पे अपने लिंक्स डालने हैं नेथन के मत डाल देना और गलती से भी ना मेरी वेबसाइट को कॉपी करने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है वो बेसिकली एक मार्केटिंग एजेंसी की तरह है उसमें फोटोज भी हैं वीडियोस भी हैं नॉर्मल एडवर्टीजमेंट भी हैं तो वो यूजीसी से बहुत अलग है मतलब सोल जो यूजीसी क्रिएटर की वेबसाइट होती है उससे बहुत अलग है आप देख भी लोगे जैसे डीजल एट जो नहीं जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट नहीं देखी है वो डीजल एट एक बार विजिट करके देख भी सकते हैं नेथन की वेबसाइट से मेरी वेबसाइट बहुत बहुत ज्यादा अलग है तो मेरी वेबसाइट गलती से भी कॉपी करने की कोशिश मत करना अब आपकी ये वेबसाइट बन गई है क्योंकि देखो मेनली आपको ये ये जो डिजाइन है ना इस तरीके का कुछ कॉपी कर लेना और कुछ नहीं करना मेन चीजें वही थी कि आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है जो आपकी वीडियोस हैं वो डालो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है और जब भी आप कभी किसी को आउटरीच करोगे ना तो यही पोर्टफोलियो आपको भेजना है तो आपका जो इसका टॉप वाला पेज है ना ये वाला ये वहां पे शो ऑफ होगा जो क्लाइंट आएगा वो इसको सबसे पहले देखेगा और इनफैक्ट जब भी आप किसी के पेज पर इसको शेयर करोगे ना जैसे ट्विटर वगैरह पे शेयर करोगे तो वहां पे आपका जो ये पहला पेज है वेबसाइट का ये खुल जाएगा और वहां से वो थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले पाएगा कि ये क्रिएटर दिखता कैसा है और इसने अपने बारे में लिखा क्या हुआ है क्योंकि कई बार होता है ना लुक्स मैटर करती है क्योंकि आप वीडियोज बना रहे हो यार तो लुक्स मैटर करती है हर किसी के साथ अब जैसे किसी को आ, कोई यूरोपियन बंदा चाहिए होता है किसी को कनेडियन चाहिए होता है किसी को अमेरिकन चाहिए होते हैं किसी को इंडियन चाहिए होता है स्पेसिफिकली ऐसे भी कई सारे आपको लिस्टिंग्स लेंगे. तो उसकी से ये फोटोस आपको अपनी वेबसाइट या वीडियोस पर फीडबैक चाहिए तो आप यहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने वेबसाइट या फिर वीडियोस का लिंक शेयर कर सकते हो या फिर डिस्कॉर्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हो वहां पर फीडबैक का सेक्शन है वहां पर आप अपनी वीडियो या फिर पोर्टफोलियो का लिंक शेयर कर दो और मैं फीडबैक आपको दे दूंगा इफ यू इंजॉयड वॉचिंग दिस कंटेंट डू हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो एंड विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो